So guys, welcome back to the new video in which we are going to talk about Andro Racenter 53 rubber. इस टेस्ट के लिए मैंने यूज किया है बटरफ्लाई विस्कारिया ब्लेड। तो चलिए शुरू करते हैं काउंटर्स एंड टॉप स्पिन के साथ। सो जब मैं टॉप स्पिन मार रहा था रेसेंटर 53 से, मेरे को ये फील हुआ जो बॉल है वो थोड़ी देर ज़्यादा स्टिक ऑन कर रही है रबर पे, क्योंकि जो इसका जो ड्वेल टाइम है वो बेटर है। 53 डिग्री स्पंज यूज़ किया गया इसमें, बट इसमें ऐसा फील होता ही नहीं है कि ये बहुत हार्ड स्पंज वाला रबर है। जो स्पंज है वो चाहे इतना हार्ड है, बट जो उसमें ड्वेल टाइम मिल रहा था वो एक 47 डिग्री का जैसे रबर होता है, जैसे MXP होता है, वैसे आपको एक बाइट मिल रहा था जिसकी वजह से आपका जो टॉप स्पिन है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल वे एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल वे में भी जा रहा था। 53 डिग्री के से बहुत ज़्यादा पावर मिल रहा था, आपको एक बहुत कंट्रोल वे में आपका शॉट जाएगा रेसेंटर 53 से। सो आगे बात करते हैं लूपिंग पे। सो जब मैं लूप मार रहा था रेसेंटर 53 से, मेरे को ये फील हुआ जो बॉल है वो थोड़ी ज़्यादा देर स्टिक ऑन कर रही है रबर पे, बिकॉज जो आपका जो ड्वेल मिल रहा था 53 डिग्री स्पंज में, आई थिंक वो सिमिलर था MXP की तरह। आपका बॉल बहुत ज़्यादा बाइट हो रहा था रबर के अंदर, जिसके से जो आपका स्पिन जनरेशन है वो बढ़ रहा था एंड जो लूप्स जा रहे थे वो बहुत ज़्यादा नियर टू नेट जा रहे थे, जिसके से आपको बहुत हेल्प मिलेगा अपने लूप्स को मारने में। प्लस जो स्पिन मिल रहा था लूप मारते हुए वो बहुत ज़्यादा बेटर था एज कम्पेयर टू MXP या फिर आप टेनर GO5 से बोल सकते। 53 डिग्री रबर होने के बाद भी जो लूप्स जा रहे थे वो बहुत इजीली जा रहे थे, बहुत जल्दी भी नहीं जा रहा था एंड बहुत कंट्रोल मैनर में आपका जो लूप जाएगा, आपको ये 53 डिग्री स्पंज लगेगा ही नहीं इस रबर में। अब बात करते हैं बैक एंड टॉप स्पिन के ऊपर। जब मैं बैक एंड टॉप स्पिन मार रहा था इस रबर से, मेरे को ये फील हुआ जो ड्यूअल टाइम है वो बेटर है, क्योंकि जो आपका जब आप पंच इफेक्ट या फिर आप जब टॉप स्पिन मार रहे हो इस रबर से, आपका बॉल ज़्यादा शूट ऑफ भी नहीं हो रही, आपको एक डिसेंट पावर भी मिल रहा है, प्लस आपका जो कंट्रोल वे में जा रहा है आपका बॉल वो मेरे को बहुत अच्छा लगा रेसेंटर 53 में। एज आपको पता ही है रेसेंटर 53 एक बहुत हार्ड रबर है, फिर भी जिसका कंट्रोल वे में जो है अपना टॉप स्पिन फेंक रहा था बैक एंड टॉप स्पिन, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा इस रबर में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सबके लिए है रबर, जिन प्लेयर का फीलिंग बहुत अच्छा है ये उनके लिए बहुत अच्छा रबर रहेगा। अगर वो लोग एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे टीनर GO5 या फिर किसी भी और रबर का, देन ये बेस्ट रबर है। अब बात करते हैं बैक एंड फ्लिक के ऊपर। जब मैं बैक एंड फ्लिक मार रहा था रेसेंटर 53 से, मेरे को ऐसा लगा कि मैं जो फ्लिक मार रहा हूँ वो बहुत इजीली जा रहा है। का जो थ्रो एंगल है वो फ्लिक का वो बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर रबर्स, फॉर एग्जांपल MXP हो गया या फिर टीनर GO5 हो गया। इसमें जो फ्लिक जा रहा था वो बहुत इजीली जा रहा था, बहुत प्रिसाइज जा रहा था, बहुत ज़्यादा स्पिनी भी था। जो इसका टॉप शीट है, इसका जो स्पिन जनरेशन का पोटेंशियल है वो बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू टीनर GO5 या फिर MXP। इसका जो एग्रेसिव स्पिन है वाइल्ड फ्लिकिंग वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, बॉल बहुत ज्यादा कर्व खाती है एज कम्पेयर टू MXP या फिर टीनर GO5। फ्लिक में जो आपको स्पिन मिलेगा उसके से जो ओपोनेंट है ना वो बहुत इजीली एरर कर रहा था एंड उसकी वजह से मैं इजी हिट कर पा रहा था उसके एरर पे। अब बात करते हैं टच प्ले एंड सर्विसेज के ऊपर। जब मैं चॉप पुश दे रहा था रेसेंटर 53 से, मेरे को ऐसा फील हुआ जो बॉल है वो बहुत ज़्यादा लीन जा रही है एंड मेरे को जो चॉप्स है वो बहुत ईजिली जा रहे थे।
जो चॉप पुश है वो बहुत इजीली जा रहे थे एंड मेरे को मज़ा आ रहा था। मैंने इस रबर को दोनों तरफ यूज़ किया, अपने फोर एंड पे भी यूज़ किया एंड बैक एंड पे भी यूज़ किया। जो चॉप पुश था वो दोनों तरफ सेम ही था, बट मेरे को जो फील हुआ थोड़ा सा बेटर था फोर एंड में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बैक एंड में अच्छा नहीं है, इसमें बैक एंड चॉप पुश भी अच्छा है, फोर एंड चॉप पुश थोड़ा सा स्लाइटली बेटर है एज़ कम्पेयर टू बैक एंड चॉप पुश। सो अब बात करते हैं सर्विसेज के ऊपर। जब मैं इसे सर्विस कर रहा था मैं बहुत ज़्यादा स्पिन जनरेट कर पा रहा था, जिससे मेरा ओपोनेंट गलतियाँ कर रहा था। जो स्पिन है बहुत ईजिली हो रहा था सर्विसेज के टाइम पे, क्योंकि जो स्पिन पोटेंशियल है इसका टॉप शीट का वो बहुत अच्छा है एंड जो स्पिन जा रहे थे वो बहुत एग्रेसिव स्पिन जा रहे थे। सो अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। प्रोज, कंट्रोल प्लस एक्सप्लोसिव टॉप स्पिन, हैवी स्पिनी लूप, ग्रेट ड्यूअल टाइम, क्रेजी स्पिन वाइल फ्लिक्स, गुड फोरहैंड एंड बैकहैंड रबर। कॉन्स, ब्रिटल रबर, लाइफ स्पैन इज लेस,